हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं रॉकस्टार डूड और आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे फेमस टीचर्स में से एक अलक पांडे सर की, जो कि फाउंडर है फिजिक्स वाला एटेक कंपनी के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो बिना 75 करोड़ रुपए का ऑफर ठुकराए हुए। 150 रुपए देगा। आ रहा हूँ मैं अभी। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be... तो अलक पांडे का जन्म 2 अक्टूबर 1991 को मिस्टर सतीश पांडे और मिसेस रजत पांडे के घर प्रयागराज में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। सो उनके फादर पेशे से एक प्राइवेट कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर थे और वो जैसे तैसे कर अपने फैमिली का खर्चा चलाया करते थे। उनके फादर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा ताकि वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सके। इधर 6th क्लास में पढ़ रहे छोटे अलक इस बात से अनजान थे कि उनके फादर किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। उन्हें तो बस इतना पता था कि घर बेचने से उनके लिए नई साइकिल आ जाएगी। खैर, घर बिकने के बाद उनकी पूरी फैमिली एक स्लम एरिया में एक किराए के मकान में रहने लगी। उन 2 सालों में उनके फादर ने जो भी बिजनेस शुरू किया वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। अपने बेटे अलख और बेटी अदिति की स्कूल फीस भरने के लिए भी उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। वैसे अलख की स्कूलिंग प्रयागराज में स्थित बिशप जॉनसन स्कूल से हो रही थी। सो जब अलख 8th क्लास में पहुंचे तो उन्हें एहसास हो गया कि उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब हो चुकी है। तो उनके फादर ने फाइनली उनसे कहा कि बेटा, आप लोगों को अब ट्यूशन वगैरह पढ़ाना पड़ेगा ताकि परिवार का खर्चा चलाने के लिए कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। सो इसके बाद अलग स्कूल से आते और फिर अपनी साइकिल में बैठकर दूर दूर होम ट्यूशन पढ़ाया करते थे और फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए यहाँ तक 50 साल की उम्र में उनकी मॉम ने भी एक स्कूल में जाके पढ़ाना शुरू कर दिया। वैसे अलख बचपन से ही पढ़ने में काफी होशियार बच्चे थे। हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में उनके 91% मार्क्स आए। सो 11th क्लास में आते ही उन्होंने साइंस स्ट्रीम चूज कर ली और उन्हें फिजिक्स सब्जेक्ट से प्यार हो गया। तेरा भी कटेगा और तू भी फिजिक्स पढ़ेगा। वैसे वो पहले से ही स्कूल में ड्रामा वगैरह में भाग लिया करते थे, जैसे नुक्कड़ नाटक, मंचन एटसेट्रा। खैर, उन्होंने उस समय भी ट्यूशन पढ़ाना जारी रखा। सो 11th क्लास में उन्होंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, जहां कोचिंग के ओनर ने उन्हें बच्चों के सामने ये बोलते हुए इंट्रोड्यूस किया कि ये आपके नए टीचर हैं और आज से आपको ये साइंस पढ़ाएंगे। सो वो उस कोचिंग में 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाया करते थे। बच्चों को उनका पढ़ाने का अंदाज काफी पसंद आने लगा और साथ साथ में उन्हें भी वहाँ पढ़ाने में मजा आने लगा। अपनी क्लास में वो कॉन्सेप्ट को काफी अच्छी तरीके से और मजेदार अंदाज में समझाने लगे, जिससे बच्चे उनसे इजीली कनेक्ट हो पाए। इधर अपने इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में उन्होंने 93.5% मार्क्स अटेन किए। उनका सपना IIT में पढ़ने का था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो IIT JEE और AIEEE जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए कोचिंग ले पाए। इसलिए इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए उन्होंने अपनी सेल्फ स्टडी जारी रखी। सो इसी दौरान उत्तर प्रदेश एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उनकी 600 रैंक आ गई, जिससे उनका सिलेक्शन कानपुर में स्थित HBTU में हो गया। बट उन्हें यहाँ पढ़ने के लिए बैंक से एजुकेशन लोन लेना पड़ा और यहाँ तक रिश्तेदारों से भी पैसे मांगने पड़े। खैर, एडमिशन तो ले लिया, बट ब्रांच की ज्यादा अवेयरनेस न होने के चलते उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच चूज कर ली, इस उम्मीद से कि उन्हें फिजिक्स पढ़ने का मौका मिलेगा। वैसे अपने फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने फिजिक्स में सबसे ज्यादा यानी 86 मार्क्स ऑब्टेन किए। हालांकि उनका फर्स्ट सेम काफी मुश्किल भरा रहा, क्योंकि इधर प्रयागराज में उनके फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे, जहां 2 मेजर सर्जरीज के बाद वो ठीक हो गए। खैर, अलख इस दौरान कॉलेज में नुक्कड़ नाटक में भी भाग लेने लगे, बट धीरे धीरे उन्हें कॉलेज की पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि कभी कॉलेज में प्रॉपर तरीके से टीचर नहीं पढ़ाते तो कभी लैब में मशीन काम नहीं करती। उनके इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाता कि आखिर इन मशीनों का क्या यूज है, इन्हें कोई क्यों नहीं समझाता। और एग्जाम्स में स्टूडेंट्स का वही पुराने 5 साल के पेपर को रट कर पास होने वाला पैटर्न से वो काफी दुखी थे। उन्हें ये सब ठीक नहीं लगा। उन्हें लगा कि उनकी लाइफ सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। और 3rd ईयर तक आते ही उनका पुराना प्यार यानी कोचिंग में उनका इंटरेस्ट काफी हद तक बढ़ चुका था। वैसे वो उस समय कानपुर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे और एज यूजुअल अपने अमेजिंग स्टाइल में पढ़ाने के चलते वो वहाँ बच्चों के बीच काफी पॉपुलर हो गए थे। कोचिंग के मालिक ने उनके प्रदर्शन को देखते हुए कहा कि देखना, आने वाले 10 सालों में तुम 7,000 बच्चों को पढ़ाओगे। सो ये सुनते ही उनके दिमाग में आया कि सिर्फ 7,000 बच्चे, उनका ड्रीम काफी बड़ा था और वो अपनी रीच को बढ़ाना चाहते थे। हालांकि उन्हें कोचिंग से अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, लेकिन इधर कॉलेज में उनका उस माहौल में मन नहीं लग रहा था और उन्होंने अब कॉलेज छोड़ने का मन बना लिया। और घर में उन्होंने अपनी सिस्टर को बताया कि वो अब अपनी इंजीनियरिंग आगे नहीं करना चाहते हैं और वो कॉलेज ड्रॉप करना चाहते हैं। उनकी सिस्टर ने उनकी सिचुएशन को समझा और ये सांत्वना दिया कि तू घर आ जा, मैं सारा लोन चुका दूंगी। लेकिन उनके फादर नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कोई भी ऐसा डिसीजन ले जो बाद में उनके फेवर में ना हो, क्योंकि उनके फादर भी इस स्टेज से गुजर चुके थे। कॉलेज ड्रॉप के बाद वो कानपुर से वापस अपने होम टाउन प्रयागराज आ गए और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने 2014 में एक और कोचिंग इंस्टीट्यूट सॉफ्टवेज एजुकेशनल एकेडमी ज्वाइन कर ली।
और साथ में उन्होंने अपनी रीच को बढ़ाने के लिए फिजिक्स वाला नाम से एक फेसबुक पेज तैयार किया और काफी फिजिक्स से रिलेटेड मीम्स अपलोड करना भी स्टार्ट कर दिया ताकि उन्हें कुछ ऑनलाइन अटेंशन मिल पाए। लेकिन वो उस समय इन चीजों में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसी दौरान यानी 28 जनवरी 2014 को उन्होंने फिजिक्स वाला अलख पांडे नाम से एक यूट्यूब चैनल तैयार किया और उन्होंने साइमल्टेनियसली ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाना और यूट्यूब में वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। वैसे वो YouTube में प्रदीप क्षेत्रपाल सर से काफी इंस्पायर्ड थे। वो चाहते थे कि वो भी उनकी तरह फिजिक्स पढ़ाएं। लेकिन उनकी स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं चली। 2015 में उन्होंने फिर वीडियो सीरीज स्टार्ट की। फिर 2016 में नई एनर्जी के साथ उन्होंने फिर से YouTube में फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया और लकीली इस बार उनकी वीडियो चल गई। उनकी वीडियो में उनका सेटअप काफी नॉर्मल हुआ करता था, यानी एक छोटा व्हाइट बोर्ड, स्मार्टफोन जो कि एक ट्राइपॉड पे लगा होता था। बट उन्होंने YouTube में ऑब्जर्व किया कि ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो ICSE बोर्ड वालों को पढ़ा रहा हो। ऑलमोस्ट सभी ट्यूटर CBSE वालों को पढ़ा रहे थे। सो उन्होंने 10th वाले स्टूडेंट्स को टारगेट कर फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। बच्चों को उनकी यूनिक टीचिंग स्टाइल काफी पसंद आने लगी। कमेंट सेक्शन में वो स्टूडेंट के कमेंट्स को एज ए सजेशन के तौर पे देखा करते थे और फीडबैक मिलने के बाद वो अपनी टीचिंग में और भी सुधार करने लगे। कंटिन्यूस वीडियोस डालने के बाद उनके एक साल में करीब 10,000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए, जिसका आउटकम ये निकला कि 2017 के लास्ट में उन्होंने ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ाना भी बंद कर दिया। उन्हें यहाँ तक उस समय ये भी नहीं पता था कि YouTube से अच्छी इनकम की जा सकती है। उनके दोस्त संजीव बोस ने उन्हें चैनल को मोनेटाइज करने का सजेशन दिया और चैनल मोनेटाइज होते ही उनकी पहली इनकम 8,000 रुपए की थी। उनका हमेशा से ही ये मकसद था कि वो अपनी वीडियो से ऐसे बच्चों की हेल्प कर सकें जो महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट का खर्चा नहीं उठा पाते हैं फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। इसलिए वो IIT JEE और NEET से रिलेटेड कॉन्टेंट को भी अपनी वीडियोज में डालने लगे। वो अब वीडियोज के फॉर्म में मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज और वेरियस प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोज, मोटिवेशनल वीडियोज और लाइव वीडियोज भी करने लगे टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स। 2020 में जब इंडिया में लॉकडाउन लग गया था तो सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास में ही रिलाई करने लगे। सो इसी दौरान जो बच्चे JEE मेंस और नीट की तैयारी कर रहे थे तो उनके लिए अलग सर ने एक डेडिकेटेड ऐप फिजिक्स वाला लेके आए, जहां स्टूडेंट्स लाइव इंटरेक्शन कर सकते थे विद अलग सर, जहां इस ऐप का सब्सक्रिप्शन चार्ज मात्र 999 रुपए था। अब इसे बच्चों का अलग सर के प्रति प्यार कहें या कुछ और, क्योंकि फिजिक्स वाला ऐप अपने लॉन्च डे में ही क्रैश हो गई ड्यू टू ओवर एक्सेस ऑफ ट्रैफिक। बट प्ले स्टोर में ऐप के लॉन्च के मात्र 32 घंटे में ही इसके 1.5 लाख डाउनलोड्स हो गए थे और ये ऐप पूरे प्ले स्टोर में ट्रेंड कर रहा था। सो इस ऐप में स्टूडेंट्स को लाइव क्लासेस, प्रॉपर नोट्स और मॉक टेस्ट से रिलेटेड कंटेंट मिलने लगे, जो कि बाकी अदर एडटेक कंपनी के मुकाबले 10 गुना कम रेट पे थी, जिसने सच में इंडिया में एक रेवोल्यूशन ला लिया था। इसके बाद अलग सर ने अपने सेटअप को अपग्रेड किया और अपनी वीडियो क्वालिटी भी इम्प्रूव कर दी। ऐप में बढ़ते एनरोलमेंट्स को देखते हुए अलग सर ने अब डिफरेंट बैच के डिफरेंट कोर्स के लिए अलग अलग टीचर्स हायर किए। उन्होंने इंटरव्यू और डेमो क्लासेस के बेसिस पे खुद से ही 4 और नए टीचर्स को टीम में शामिल कर दिया फॉर डिफरेंट कोर्सेस। उनकी इमेंस पॉपुलैरिटी को देखते हुए एक जायंट एडटेक कंपनी ने उन्हें 75 करोड़ का ऑफर दिया, जिसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इस बात का बदला लेने के लिए उस एडटेक कंपनी ने उनकी टीम को अब तोड़ना स्टार्ट कर दिया और PW के टीचर्स को अपनी कंपनी में लेना भी शुरू कर दिया। जिसके बाद इस बात से आहत अलग सर ने उस एडटेक कंपनी को चुनौती देते हुए एक वीडियो अपलोड की और अपना मोटिव क्लियर किया कि अगर तुम एक अलग पांडे ले जाओगे तो मैं 100 अलग पांडे खड़े कर दूंगा। और वो अपने PW में देश के दिग्गज और प्रतिभाशाली टीचर्स को लेके आ गए, जहां इन टीचर्स के साथ मिलकर उन्होंने PW का प्लेटफॉर्म को और भी ज्यादा बेहतर किया। वैसे बात करें PW की प्रॉपर नॉलेजेबल वीडियोस, टीचर्स का इंटरेक्शन सेशन फॉर नीट JEE मेन से आज काफी बच्चों का सिलेक्शन काफी बड़े और अच्छे कॉलेजेस में हो रहा है फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। और आज फिजिक्स वाला ने अपने अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए अपने इस प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड भी किया विद डिफरेंट लैंग्वेजेस। लॉकडाउन के बाद वो फिजिक्स वाला को ऑफलाइन मोड में भी ले गए, जहां आज करीब 20 से ज्यादा सिटीज में फिजिक्स वाला के ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स भी हैं। और हाल ही में कोटा राजस्थान में फिजिक्स वाला की गूंज भी आसमान तक सुनाई दे रही है विद नेम PW विद्यापीठ, जिसकी फीस बाकी कॉम्पिटिटर्स इंस्टीट्यूट की तुलना में काफी कम है, जिसे मोस्टली सभी बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। वैसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनके को फाउंडर प्रतीक माहेश्वरी फिजिक्स वाला कंपनी के बैकबोन हैं, जहां अलग सर और पीयूष माहेश्वरी ने फंड रेज करते हुए $1 बिलियन जुटाए, जिसके चलते आज फिजिक्स वाला कंपनी देश की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी बनी, जहां आज PW में करीब 2000 से ऊपर एम्प्लॉई, इंक्लूडिंग 500 टीचर्स और 200 एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं। साथ में आज PW की पॉपुलैरिटी इंडिया में ही नहीं बल्कि UAE, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे कई कंट्रीज में भी है, जिससे सच में ये कहा जा सकता है कि PW इज नॉट ए ब्रांड, इट्स एन इमोशन।
तो चलिए अब बात करते हैं सम फैक्ट्स अबाउट अलक पांडे सर। फिजिक्स वाला यानी अलक सर की जर्नी पे एक 6 एपिसोड की वेब सीरीज जल्द एक OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है। हाल ही में अलक सर ने अपनी दोस्त शिवानी दुबे जी से एंगेजमेंट की है। सो दोस्तों, अलक सर ने आज एक मिसाल कायम की है कि अगर आपका विजन क्लियर है और आप अपने गोल के लिए फोकस हो तो आपको कोई खरीद नहीं सकता। वैसे वो अक्सर पढ़ाते समय काफी सिंपल और आम बोलचाल की भाषा का यूज करते हैं और उनके अटायर को देख के लगता है कि वो फिजिक्स के प्रति कितने दीवाने हैं। उनकी फिजिक्स और मैथ से रिलेटेड टी शर्ट और हाथों में बने टैटूज उन्हें एक सच में कूल टीचर बनाते हैं। वो कहते हैं कि 2017 में वो कोटा गए थे ताकि वो वहाँ के पॉपुलर टीचर्स के नोट्स को लेके आ सकें और अपनी वीडियोस में इस्तेमाल कर सकें। लेकिन आज उनकी मेहनत देखो, आज सभी टीचर्स उनके साथ मिलकर फिजिक्स वाला हमें पढ़ा रहे हैं। वैसे वो चाहते तो वो ऐप को फ्री में भी लॉन्च कर सकते थे, बट कंपनी में सभी एम्प्लॉय की तनख्वाह के लिए उन्होंने अपने कोर्स में कुछ माइन्यूट चार्जेस लिए ताकि सबका भला हो सके। उनका बच्चों से कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। वो कहते हैं कि अगर बच्चों ने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं कराई होती तो आज वो यहाँ नहीं होते। वो हर कीमत पर उन सभी बच्चों का ड्रीम पूरा करना चाहते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। सो अपने कॉम्पिटिटर से करीब 10 गुना लेस प्राइस में एक अच्छा कॉन्टेंट देना सच में काबिले तारीफ है। वो अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और सिस्टर को देते हैं और साथ में वो अपने सहयोगी प्रतीक माहेश्वरी को थैंक यू बोलना कभी नहीं भूलते हैं फॉर दिस सक्सेस। वैसे दोस्तों, देश को सच में अलग सर जैसे टीचर्स की जरूरत है जो जरूरतमंद स्टूडेंट्स की हेल्प कर सके। वैसे अपने काम के प्रति इतने डेडिकेटेड हैं कि अगर कभी उनसे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई गलती हो जाती है तो वो पूरी रात बैठकर उसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं और अगले दिन उसे अपने तरीके से बच्चों को समझाते हैं। वो अपने हिटर्स से बस यही कहते हैं कि जो लोग उन्हें बोलते हैं कि यहाँ कंटेंट कम होता है और क्लास में ड्रामा और एक्टिंग ज़्यादा होती है, तो हमारा सिलेक्शन ही बताएगा कि हमारे कितने बच्चे JEE और नीट में टॉप किए हैं। और अगर मैं पढ़ाई में बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ और अगर आपको इस बात से कोई दिक्कत है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो हर बार यही कहते हैं कि हर बच्चे में कैपेसिटी है, अगर आप उसको ढंग से गाइडेंस दो तो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे यूट्यूबर की इंस्पायरिंग स्टोरी लेके। तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि अब दुनिया बचाने भी तो जाना है। लेट हूँ पर ग्रेट हूँ। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn it.